nigga reppin'. Oh my God, oh my God. If I die, I'm a legend. Oh my God, oh my God. If I die. तो गाइस, आज हम बात करने वाले पायल जोन के बारे में। इसको देखकर लगती नहीं है रोस्ट वीडियोस बनाती है, पर इसके चैनल पर एक से एक रोस्ट वीडियोस बनी पड़ी। चलिए दिखाता हूँ आपको भी इसकी रोस्ट वीडियोस। गाइस, सौरभ जोशी ने हमारा पूरा घर तोड़वा दिया। गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे, सौरभ जोशी ने हमारा पूरा घर तोड़वा दिया है। किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। उसका नाम है टिंडोरा। तो उनके इसी वाले गाने को हम लोग साथ में मिलके सुनेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। वैसे मैं सच बताऊं तो मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था इस गाने के ऊपर रिएक्शन देने का, लेकिन मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज करके बोला चूतिया नहीं लग रहा है, ने? चटक चूतिया लग रहा है। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि भाई जब ये सारी चीज़ें बच्चों ने की है तो इसमें फ्लाइंग बीस का क्या रोल है। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो बच्चे थे ना, चार पांच जो बच्चे थे तो सबको छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे। गाइज, उनके लीडर फ्लाइंग बीस्ट ही थे। मैंने खुद देखा था, फ्लाइंग बीस्ट वहाँ पर खड़े थे और वो सब लोगों को ऐसे बोल रहे थे कि तुम ऐसा करो, और खुद फ्लाइंग बीस्ट भी आने जाने वाले लोगों को तंग कर रहे थे। जी हाँ गाइज, मैंने अपनी आँखों से देखा है। एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, वो सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। आप डेफिनेटली यार, आप अपने बॉडी का एक पार्ट हमेशा के लिए जो है खो रहे हैं, अपने से अलग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली दर्दनाक तो होता ही है। जब आप ये बातें किसी और को बताते हैं, सामने वाले को, तो ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इंडियन यूट्यूबर्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आए हैं, कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने मेरे को फ्लाइंग बीस्ट सर की फ़ोटो भेजी है। उनकी जो लास्ट फोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो लोग मुझे भेज रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल करके सारी बातें बताई है कि ऐसा एकदम से फ्लाइंग बीस्ट सर के साथ कैसे हो गया। मुझे एकदम से भरोसा नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो गाइस, जब मैं थाने में गई तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अगेंस्ट जो ये कंप्लेन करी है वो सौरभ जोशी ने करी है। मतलब सीरियसली यार, जिसके चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरी वीडियोस बनाने से इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी। मम्मी पापा मारते हैं, बट गाइज मेरा कल चैनल भी डिलीट हो रहा है सौरभ जोशी को। पता नहीं क्या मिल गया है, गरीब लड़की का चैनल डिलीट करवा के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।